पर आज जब उर्वशी नंद महल की तरफ आ रही है तो अचंभित है क्योंकि उसके पीछे एक भी मोर नहीं चल रहा। पर जब उर्वशी पहुंची श्री नंदालय की उस खिड़की के ऊपर तो देख करके चौंक गई, क्योंकि खिड़की के ऊपर हजारों मयूर खड़े होकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि नृत्य करते हुए किसको अपने मोर पंख को भीतर गिराने का सौभाग्य मिलेगा और यशोदा के द्वारा उठा करके कृष्ण के मस्तक पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। विदाई करने कंस जाता था, आकाशवाणी हुई, अष्ट्वा अष्ट्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध, जिसको तू लिए जा रहा है उसी के आठवीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। कंस रुष्ट हुआ, वसुदेव जी ने समझाया तो छोड़ दिया, पहली संतति हुई। वसुदेव जी प्रेम से ले आए, इसने कहा आठवीं से खतरा, पहले से क्या खतरा, ले जाओ। देवता बोले नारद जी से, भगवान से कही अपना उतार कैंसिल करें, इस दुष्ट में तो दया आ गई और क्या जरूरत है, बस बिल्कुल ठाकुर अभी दो मिनट में छुट्टी हो रही है, आप बैठने दो। हाँ ठाकुर जी पहले आके बैठ गए और क्या। सो महाराज नारद जी ने आकर ऐसा उपदेश दिया कि कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाला, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छह पुत्रों की हत्या कर दी, छह देहध्यास है, देहध्यास की निवृत्ति आवश्यक है। सब सातवें के रूप में संकर्षण आए जिन्हें रोहिणी जी के घरों में स्थापित किया गया। आज मेडिकल साइंस में जो टेक्नोलॉजी जिस स्तर तक बढ़ी है उसका प्रमाण भारतीय संस्कृति में कितना पुराना मिलता है। बलराम जी देवकी वसुदेव के पुत्र हैं पर उनको जन्म रोहिणी जी ने दिया है। आज मेडिकल साइंस इस टेक्नोलॉजी को जानती है पर ये 20, 25, 50 वर्ष से जानती होगी। हाँ पर भारतीय विज्ञान 5000 वर्ष से इस विज्ञान को जानता है। पुत्र ये उनके जन्म उन्होंने दिया, आज मेडिकल प्रैक्टिस में इसको सैरोगेसी कहते हैं। आज ये चीज यहाँ है पर बलराम जी के समय किस समय तक इसका विचार हो चुका है। तब भाद्र कृष्णाष्टमी का सुंदर दिन आया, देवकी के अंग से सुगंध आने लगी, देवताओं ने आकर प्रभु की मंगलमयी स्तुति करी। उस स्तुति का नाम गर्भस्तुति रखा क्योंकि इससे पहले कभी भी परमात्मा गर्भ में नहीं बैठा था, पहली बार किसी के वूम्ब में बैठा। तो देवताओं ने स्तुति करी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतसत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम कपन्नाः। ऐसे सत्यात्मक भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तभी शांताक्ष ग्रह तारकम, सारे ग्रह शांत हो गए, काल अत्यंत शोभनीय हो गए। चंद्रमा बोले हमें आगे रहने दो, हमारे वंश में कृष्ण आ रहे हैं। बादल बोले हमें आगे रहने दो, हमारा वर्ण लेकर आ रहे हैं। तारे टुमटुमाने लगे, चारों तरफ अद्वितीय शोभा बनी और उसी समय देखा सामने तमद्भुतम बालकमं भुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधारयुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोग सौभगम। चतुर्भुज भगवान सामने खड़े हुए, तुमने मांगा था मैं पुत्र होकर आऊं, तुम्हारे पास आने को तैयार हूं पर अभी 10 वर्ष तुम्हारी तपस्या बाकी है, पहले गोकुल रहकर फिर लौटूंगा, ऐसा कह छवि अंतर ध्यान हुई। ठीक रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हुआ और भैया ये भारत वर्ष धन्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अभी आपने धीरे धीरे जय बोली चलेगा क्योंकि कंस के कारागार में, यहाँ ज्यादा हल्ला मचाया तो कंस यहीं रोक लेगा, इसलिए गोकुल जाके हल्के नहीं पड़िएगा, मथुरा का हल्कापन चलेगा। तभी महाराज योग माया जी ने सूप की व्यवस्था करी, हथकड़ी वेड़ियां खुली, जमुना जी को शांत करके लाला को लिटा कर लाली को लेकर लौटे। भूल न जाना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारी दिव्य भगवती का भी प्रादुर्भाव है महाराज। अगर कन्या नाय पैदा होती तो यह लाला को ना पूछ रहे हो तो आज के टाइम, इसलिए उसको भी स्मृति, उसकी भी प्रणति होना आवश्यक है। कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे कोई ना कोई माता का हाथ है, हमारे ठाकुर के पीछे भी यही माता का हाथ है महाराज। सोई मैया के जैसे ही चरण पकड़े अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ
पालिनी आचरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्या पश्यन्ती मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा साश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरो। कहा तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, पूतना को ड्यूटी सौंपी, तू जाके बालकों को घात कर। पूतना गई सजने धजने, और सजने धजने में टाइम लगता है, आप सब माताओं को ज्यादा पता होगा, एटलीस्ट मुझे इसको कल तक का टाइम देना चाहिए। और पूतना जैसी को सजना हो तो ओवर टाइम वैसी लगेगा महाराज, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, तो उसको सजने दीजिए। हम चलते गोकुल में और लाला लेटा हमारी मैया के ठीक बगल में। क्या शोभा बनी है, रात्रि का माहौल अद्भुत रूप से बना है। भैया वो जो अभी सब मूर्छित पड़े, पास में खिड़की है और खिड़की के पास एक गुलदस्ता रखा है जिसमें कल सुबह के लगाए हुए फूल हैं, और वो फूल श्याम सुंदर अकेले हैं। पीछे वाली खिड़की पर रश्मियों के रूप में आके देवता बाल गोपाल का दर्शन कर रहे हैं। जन्म के बाद और सुबह के बीच की ये दिव्य लीला शास्त्रों में संकेत से वर्णित की गई है। वो फूल तड़पता है, आज पहली बार ऐसा इतिहास में घटा है, भौरों को फूलों तक जाते देखा है, पर आज पहली बार एक फूल हमारे श्याम भवरे के पास आने को पीड़ित हो रहा है। वहां खड़ा खड़ा कहता है, कैसे कैसे भगवत दर्शन पाऊं, ये जड़ वस्तु कैसे चेतन नहीं चैतन्य कृष्ण का अनुभव कर सके, कैसे वहां तक पहुंच सके। वो गुलदस्ते पर लगा हुआ फूल कांपता था, पर क्या करे, बहुत देर हुई बहुत देर हुई। राधा रानी का जन्म तो बरसाने में हो चुका था, प्रिया जी लेटी थी। जब कोई भक्त तड़पता है ना, तब उसके ऊपर किशोरी जी कृपा करती है। तभी सोती सोती किशोरी जी ने किलकारी भरते हुए एक तेज श्वास का आवर्त लिया, और जब श्वास को छोड़ा तो वो श्वास को छोड़ते आवर्त लेती वो मलयाचल पवन जैसे ही उस गवाक्ष से आई, तो उस मलयाचल पवन ने अपने आवर्त में रखे हुए उस गुलदस्ते के फूल को भी उठा करके श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित। जब जीव भी परमात्मा की अनुभूति के लिए तड़पता है और अपने सारे साधनों के बाद भी पराजित हो जाता है, तब कहीं ना कहीं श्री किशोरी जी की कृपा ही उसके ऊपर बरसती है। श्री स्वामिनी ही कोई संत कृपा की हवा चला देती है कि संसार के गुलदस्ते में फंसा हुआ ये जीव रूपी फूल उछल करके ब्रज में श्री श्याम सुंदर की शरणागति का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा दिव्य अनुभव बना। तरंग तो मुझे, मशीन तो मेरी आऊ गर्म हुई है महाराज, तो घड़ी ठंडी हो गई, क्या करूं महाराज। ऐसा अनुभव, आनंद चारों तरफ हो पड़ा। कमलम अनंभसी साच सुभगा कनक कमल लतिकायाम। बड़ी बड़ी अप्सराएं आ रही हैं। जब उर्वशी चलती है तो उर्वशी के पीछे जो उसकी गुथी हुई चुटिया है, उस चुटिया के पीछे जब वो घूमती हुई चलती है तो हजारों मोर उसके पीछे चलते हैं। उन्हें लगता है कि कोई सर्प लटका हुआ है, उस सर्प के ऊपर चोंच मारती हुई चलती है। पर आज जब उर्वशी नंद महल की तरफ आ रही है तो अचंभित है क्योंकि उसके पीछे एक भी मोर नहीं चल रहा। पर जब उर्वशी पहुंची श्री नंदालय की उस खिड़की के ऊपर तो देख करके चौंक गई, क्योंकि खिड़की के ऊपर हजारों मयूर खड़े होकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि नृत्य करते हुए किसको अपने मोर पंख को भीतर गिराने का सौभाग्य मिलेगा और यशोदा के द्वारा उठा करके कृष्ण के मस्तक पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कमलम अनंभसी साज सुभगा कनक कमल लतिकायाम। आहा, नंदोत्सव स्वतंत्र की लीला एक महीने की है महाराज। अनाघ्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनई रनुत्पन्नम नीरे स्वनुपहत मुर्भी कणभरई अदृष्टम केनापि क्वचन सिजदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुबल यमि बहुजस्तद भवे। जैसे किसी सरोवर के मध्य कोई कमल खिला हो और उस कमल को अभी तक सरोवर को भी विकंपित होकर विकंपित करने का सौभाग्य न मिला हो, उसके आघ्राण को अभी तक कोई सा भौरा आघ्रात न कर पाया हो, उसकी सौरभ्यता को पवन देव वातावरण में व्याप्त न कर पाए हो, ऐसा एक श्याम कमल यशोदा के दिव्य गर्भ रूपी सरोवर में उत्पन्न हुआ है। अरे वैष्णवो, तुम भी किशोरी कृपा के भवर बन के उसके मकरंद आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करो।
ऐसी दिव्य अनुभूति ब्रज में ब्रह्मानंद की तरह प्रकट हो रही है। एक एक कीर, एक एक पारावत, एक एक पतंग नंदालय के चारों तरफ अद्वितीय रूप से प्रकृति पृथ्वी का स्वरूप गौवंश है और गौ माता ही पृथ्वी के रूप में जब प्रकट होती हैं, अभी यशोदा मैया जगी नहीं है, अभी नंदोत्सव शुरू नहीं हुआ है, पर श्याम सुंदर यशोदा के उस पर्यंक के पास अवराजित होकर विराजमान है। तभी पृथ्वी ने अनंत अनंत गैयाओं का स्वरूप धारण किया और श्री नंद महल के द्वार पर खड़े होकर उस पूरे नंदालय की गोल गोल गोष्ठ से निकल करके घूम घूम के दौड़ दौड़ करके परिक्रमा लगाती, जिस गवाक्ष पर श्री श्याम सुंदर जिस कक्ष में है उस कक्ष के गवाक्ष के पास आकर उचक करके अपने नयनामृतों से श्यामामृत रूप माधुरी का आस्वादन करती हुई फिर दौड़ती चलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने पृथ्वी रूपी गैया की दिव्य माला परमात्मा के कंठ में समर्पित कर दी हो, महाराज उसकी सौभाग्यता बनी है। आहा, ऐसा आनंद महोत्सव का भाव बना है, ऐसी अनुभूति नंद महल में चारों तरफ फैल रही है। कीर पारावत श्याम रोकर नहीं प्रकट होते। एक बालक का जन्म कब होता है? जब किसी मैया के पेट में दर्द होता है। पर परमात्मा कब प्रकट होता है? जब भक्त के हृदय में दर्द होता है। इसलिए प्राणाधार परमात्मा यशोदा के समकक्ष विराजमान है। आहा, मेरा हृदय यूं कहता है, जहां चैतन्य ब्रह्म आता है वहां जड़ वस्तु में भी चेतनता आ जाती है। ये शरीर जड़ है पर इस शरीर जड़ के पास भी जब चेतन में आत्मा का प्रवेश होता है तो जड़ वस्तु ये शरीर भी चैतन्यता की तरह अनुभूत होने लगता है। आत्मा का स्वरूप विशुद्ध चैतन्य है। यशोदा मैया तो इस समय अचेत पड़ी हुई हैं, पर श्री श्याम सुंदर उनके पास में विराजमान हैं और अपने दिव्य नीलेंदीवर नीलमणि श्याम सुंदर अपने दिव्य अंगुष्ठ के द्वारा जब श्री यशोदा मैया के पास लेटे लेटे कभी कभी अपने सूक्ष्म हस्तकमलों के द्वारा उनका स्पर्श करते हैं, उस समय यशोदा मैया के कमर में बंधी हुई जो कौंधनी है, उस समय यशोदा मैया के वस्त्र पर पड़ी हुई जो साड़ी है, उस समय यशोदा मैया के कंठ में पड़ा हुआ जो दिव्य हार है, उस समय यशोदा मैया के हाथ में पड़ा हुआ दिव्य कड़ूला है, ये सब आभूषण वैसे तो जड़वत हैं, पर जैसे किसी स्वर्ण की मूर्ति के भीतर अगर कोई ब्राह्मण मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठा कर देता है तो वो जड़ नहीं रह जाती, चैतन्यमय हो जाती है, ऐसे इन स्वर्णाभूषणों के पास में जब सच्चिदानंद रूप साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा नंदनंदन अभिराजित हो गए तो उनके स्पर्श मात्र से वो संपूर्ण आभूषण ही चैतन्यमय हो गए हैं। इसलिए कमर में बंधी हुई वो कौंदनी श्री श्याम सुंदर रोई नहीं, यशोदा तो अचेत पड़ी है पर विकंपित होती हुई मानो खिलौना बनके झुंझुना बनके शाम को चुप करा रही हो। मारा उस समय हाथ में पड़े हुए कड़ूला अपने भीतर वात्सल्य का उदय करते हुए श्री यशोदा के हाथों ने कड़ूलों को कृष्ण तक कई बार ले गया है पर आज अचेत पड़ी हुई यशोदा को वह कड़ूले हाथ कमल को श्याम सुंदर के पास ले जा करके श्री श्याम के दिव्य चरणारविंद का आस्वादन कर लेते हैं। हाथ में पड़े हुए कंठ में पड़े हुए वो दिव्यहार, आहा हा हा, किसी भी व्यक्ति की माता की छाती उसकी वात्सल्य की असमूर्ध सिंधु है और जब हृदय से लगाए हुए श्याम सुंदर को यशोदा मैया कभी चिपका लेती है तो श्री श्याम सुंदर के अधरामृत से गिरी हुई कोई एक बिंदु भी यशोदा के कंठ में पड़े हुए हार का स्पर्श करके सौभाग्य का अनुभव करती है। पर आज विपरीत दशा है, मानो वो हार भी विकंपित होकर के तड़फ रहा हो क्योंकि उसको चैतन्य भिन्न परक परमात्मा ने स्पर्श कर लिया हो तो वह हार भी हृदय का अनुभूत कराता श्री श्याम सुंदर का आवाहन कर रहा हो। आहा, वो पड़ी हुई अवचेतन साड़ी जो कि केवल स्त्री के अंग पर चढ़ने के बाद भी हिलायमान और चलायमान होती है पर उन दिव्य जैसे एक अनंत अनंत छोटी छोटी रश्मियां मिलकर के एक बड़े भारी वस्त्र के भंडार को तैयार करती हैं, ऐसे ही परमात्मा सूक्ष्म डोरियों की तरह इस संपूर्ण प्रकृति को तैयार करता है और उसी प्रणिधान रूप में ये नीवि मंडल श्री यशोदा के श्री अंग पर विराजमान है। अभी तो मैया ने आंचल पकड़ा भी नहीं था, उठाया भी नहीं था, मैया तो बेहोश पड़ी थी पर उस साड़ी का जैसे ही श्याम स्पर्श हुआ वो जड़वत साड़ी चैतन्य में हो गई और स्वयं ही सरक करके श्री बालक को सर्दी न लग जाए ऊपर से ढक करके मैया के आंचल का सौभाग्य प्रदान हो गया। ये चैतन्य में दिव्य नंदोत्सव की भूमिका बनी है।
उसी समय सुबह के सूर्य ने प्रकट होकर अपनी प्रथम रश्मि का स्पर्श ऊपर वाले गवाक्ष से श्याम सुंदर के श्रीअंग के ऊपर किया। किसी मणि के ऊपर सूर्य का प्रकाश हो तो वो विस्फर्जित हो जाता है, फट जाता है, अनंत रश्मियों में पैदा होता है। हली, नीली, वायलेट, आइवरी, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, अनंत रश्मियों को पैदा कर देता है। उसी प्रकार नीलमणि श्याम सुंदर के ऊपर जब सूर्य की रश्मियों ने स्पर्श किया तो विस्फर्जित होकर नंद महन को प्रकाशित कर दिया। एक किरण ने दूती बन करके चुपचाप जा करके श्री रोहिणी के हाथ का स्पर्श करके उनको उठाया। दूसरी किरण ने जाकर मुख्य परिचारिका का स्पर्श करके उसको उठाया। तीसरी किरण ने जाकर मुख्य दूती का स्पर्श करके उसको उठाया। मानो श्री श्याम सुंदर के अंग से निकली हुई ये रश्मियाँ दूतियाँ बन बन करके चारों तरफ अचेत पड़े हुए लोगों का स्पर्श करके जागरण कर रही हो। रोहिणी की आँख चौंक करके खुली, देखा यशोदा लेटी हैं, पीछे किसकी आवाज़ आती है। थोड़ी सी उचकी तो छोटे छोटे तलुआ का दर्शन हुआ, थोड़ी सी और उचकी तो घुटने, नाभि का छिद्र और नाक का अग्रभाग दिखा, थोड़ी सी और उचकी तो कपोल की गहराई, कमर का हिस्सा और दिव्य जंघा का दर्शन हुआ। और जैसे ही उठ करके खड़ी हुई तो झूम पड़ी, अरे नंद बाबा को जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, बधाई हो, बधाई हो,